और कमेटी के पास जमा कर दे, नहीं तो आपके हाथ से ये समय निकल जाएगा और समय निकलने के बाद पश्चात आपके अलावा आपके कुछ हाथ नहीं आएगा, क्योंकि एक साल बाद ये मेला लगता है। और अभी अभी सूचना मिली है, हमारे जो विजयपाल चाचा ने कह रहे थे कि एक ऐलान सर करते अगली साल से इसी स्थान पर मेला भी लगाया जाएगा, मेला लगेगा और सातों दिन मेला चलता रहेगा इसी तरीके से, और भागवत का आयोजन भी हर वर्ष की तरह इसी तरीके से होगा। और एक और सूचना है कि कल कंस जो मरा था वो कंस फिर से जीवित हो गया है, क्योंकि दुष्ट आत्मा बहुत बड़ी मुश्किल से मरता है, तो कहने का मतलब है वो जीवित हो गया है दोबारा से। तो मैं निवेदन करूंगा गांव के सभी फौजी और पंक्ति भाइयों से कि वो अपनी अपनी राइफल ले आए और जो काम दिया जाएगा वो टारगेट कोई रहेगा कल वाला। तो इच्छा है हमारे गाँव के सभी फौजी भाइयों की, जो हमारे गाँव में फौजी जो भाई है ना बहुत ज्यादा है, घर घर फौजी और पंक्ति है, तो उनकी ये इच्छा है कि कल जो हुई थी वो कंस मरा था वो चीटिंग हो गई थी, जो टारगेट रखा था उसमें चीटिंग हो गई थी, आगे बढ़ के उन्होंने वो दागा था, तो वही टारगेट फिर रखा गया है। तो निवेदन करूंगा कि वो भाई